हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोफिया। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन नहारी, जिसके लिए मैंने सामान लिया है। 1 किलो चिकन लिया है, 2 मीडियम साइज की प्याज ली है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इसके मसाले के लिए हल्दी लेंगे हम 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं लेनी है हमें। लाल मिर्ची लेनी है 1.5 चम्मच, धनिया पाउडर 3 चम्मच, नमक 1.5 चम्मच, मैदा लिया है ये 1 छोटी कटोरी है, वैसे आप 2 टेबल स्पून ले सकते हैं। दही भी मेरा 2 टेबल स्पून है, 1 कटोरी है छोटी। गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून है, और गरम मसाले में हमने ज़्यादा नहीं लिया है, सिर्फ 1 तेज़पत्ता का पत्ता और दालचीनी और स्टार फूल लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 2 टीस्पून, और 1 टीस्पून लेंगे ज़ीरा पाउडर। और इसके लिए हरे मसाले में लेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया और आपका अदरक। हम अपना तेल लेंगे, इसके अंदर 2 मैंने बड़े चम्मच लिए हैं तेल। इसमें हमारी तेल गर्म है, इसके अंदर हम अपनी प्याज फ्राई करेंगे। हमें प्याज एकदम गुलाबी करनी है। प्याज को हमें अच्छे से गुलाबी कर देना है। ये देखें, हमारी प्याज पिंक हो गई है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये चिकन की नहारी है, इसलिए हम इसको बाहर निकाल रहे हैं प्याज को, क्योंकि चिकन हमारा जल्दी गल जाता है। अगर हमारी मटन की या बीफ की नहारी होती तो हम प्याज को बाहर नहीं निकालते, क्योंकि प्याज हमारी इसी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाती। हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। प्याज हमारी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसे हाथ से रब कर लेंगे इसको अच्छे से। चिकन हमारा जल्दी गल जाता है, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया है प्याज को, और इसे हम बाद में अभी थोड़ी देर में ही इसे अच्छे से मसल कर इसके अंदर डाल देंगे। अब हम अपने ऑयल के अंदर अपना गरम मसाला डालेंगे। ये मैं छोटी इलायची भूल गई थी, 3 छोटी इलायची भी लेंगे हम इसमें। अब हमें थोड़ा इसमें चिकन फ्राई करना थोड़ी देर के लिए। सारा अपना चिकन इसके अंदर डाल देंगे कढ़ाई में। इसको चलाते रहिएगा, और इसे करीब हमें 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। गैस अपनी तेज कर लिए। फ्राई करते में ही हम इसके अंदर अपने मसाले डाल देंगे। हल्दी, थोड़ा कलर अच्छा आता है, बहुत से लोग हल्दी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा हल्दी से कलर मसाले का अच्छा आता है, इसलिए मैं हल्दी ज़रूर डालती हूँ। नमक 1.5 चमची लिया था, धनिया पाउडर 3 चमची, लाल मिर्ची 1.5 चमची। इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, और इसको फ्राई करते रहेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। चिकन तलने के बाद हमारा मसाले के साथ ही ये तल रहा है। अब हम इसके अंदर प्याज, इस तरीके से मैंने इसको रब कर लिया है, इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ में ही ज़ीरा पाउडर जो रोस्टेड मैंने पीसा है, इसको इसके अंदर मिक्स करके 1/2 कप हम इसमें पानी डालेंगे, और चिकन को हम मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे, इसे गलने देंगे जब तक कि हमारा अच्छे से गल नहीं जाता। हमारा चिकन गलने पर आता जा रहा है थोड़ा। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और दही डालेंगे।
और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अभी ये हमारा गलने के लिए बाकी है अभी चिकन, जब तक हम अपना हरा मसाला काट लेंगे। और ये जो हमने मैदा लिया है एक कटोरी, इसको हम बड़े बाउल में पानी के ज़रिए इसका घोल बना लेंगे और उसको छान लेंगे। इसके अंदर एक भी गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए आपकी। तो जब तक हमारा चिकन भुन रहा है, हम इसको रेडी कर लेते हैं। हमारा चिकन भुनने पर आ गया है, अब हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ और इसको थोड़ी देर और भूनेंगे। इधर मैंने ये घोल रेडी करा है, आप देखिए इसके अंदर थोड़ा थोड़ा अभी भी रह गया है इसे घोल अच्छे से बनने से, मिक्स होने से, इसलिए हम इसको छन्नी से छान लेंगे। इसके अंदर ये ज़रा भी हमारी जो गाठी नज़र आ रही है ज़रा भी नहीं होनी चाहिए, एक भी इसके अंदर नहीं दिखनी चाहिए, वरना हमारी ग्रेवी ख़राब हो सकती है। गैस को हम सिम करेंगे या फिर आप थोड़ी देर के बंद करके इसका जो ऑयल है, हम उसका ऑयल अलग अपने एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरीके से हम ऑयल को अलग बर्तन में अपने बाउल में निकाल लेंगे। हम इस तरीके से छन्नी से इसको छान लेंगे धीरे धीरे। हमने ऑयल अपना इसका बाहर निकाल लिया है, मसाले से अलग कर लिया है चिकन से, और ये जो हमारा पेस्ट छनकर आएगा हम इसको चिकन के अंदर मिक्स करेंगे और इसके अंदर डालते जाएंगे हम और उसे चलाते जाएंगे। मैं आपको ऐसे करके दिखा नहीं पाऊँगी, लेकिन आप इसको एक हाथ से डालते जाइए और एक हाथ से इसको चलाते जाइए। इस तरीके से हम इसको सारा मिक्स कर लेंगे जो हमने मैदे का घोल बना के डाला था। अगर आपको परेशानी हो तो आप अपनी गैस ऑफ करके उसको डाल देते जाएं और अच्छे से मिक्स करते जाएं। इसके अंदर हम इसे थोड़ी देर और बनाएंगे। हमारी ग्रेवी ये ठंडे होने के बाद और गाढ़ी होती जाती है, इसलिए आप इसे थोड़ा सा पतला चाहे तो और रख सकते हैं, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद थोड़ी आपके और इसकी ये थिक हो जाएगी। हमारी चिकन नहारी एकदम रेडी है। दो तीन मिनट के बाद हम अपनी गैस को ऑफ कर देंगे। आपकी चिकन नहारी एकदम रेडी है। जब आप इसमें सर्व करें तो इसमें आपने जो ऑयल निकाला था वो इसके अंदर डाल लें, थोड़ी सी हरी मिर्चें गार्निश के लिए इसमें, और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है कच्चे मसाले का इसके अंदर, हरा धनिया और हरी मिर्च आपका अदरक का। आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।